How are you all? I hope you are fine. I am going to start the class with the name of Allah. Hold your arms. Recite with me. Ta'awuz. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Tarjuma. Main panah mangti hu Allah Taala ki shaitan mardood ke shar se. I seek the refuge to Allah. From Shaitan in the outcast. Tasmiyah, Bismillahirrahmanirrahim. Shuru Allah ke naam se, jo bada meherban aur nihayat rahm karne wala hai. With the name of Allah, who is the most merciful and the Lord of mercy. Raise your hands for dua. Dil mein izafe ki dua. Dua for increasing knowledge. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ay mere Rab, mere ilm mein izafa farma. Oh my Allah, increase my knowledge. Ameen. आप सबको पता है आपका उर्दू पीरियड है, टीचर आपको उर्दू पढ़ाएंगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी बुक निकालेंगे, किताबें बुक, आपकी उर्दू की दर्सी किताब है हुर्फ कहानी तस्वीरी कायदा, ठीक है, आप ये निकालेंगे और इसका हम कौन सा पेज निकालेंगे, इसका हम सफ़ा नंबर निकालेंगे 6, सफ़ा नंबर 6, ठीक है। मैं आपको इसकी स्टोरी पढ़ाऊंगी, फिर बताऊंगी कौन सा हुर्फ है। आपा ने आम और आड़ू धोए, अम्मी ने चूल्हे की आग जलाई, आपा ने आम और आड़ू धोए, अम्मी ने चूल्हे की आग जलाई और आलू पकाए, उसमें मिर्चें इतनी तेज थीं कि हमारे आंसू निकल आए, उसमें मिर्चें इतनी तेज थीं कि हमारे आंसू निकल आए। आपको पता है आज मैं आपको कौन सा हुर्फ पढ़ा रही हूँ, यहाँ देखें सब, आपने अलिफ पढ़ा है, आपने सपने आपने अलिफ पढ़ चुके हैं, आपने पीजी में भी अलिफ पढ़ा था, ठीक है, और आपने नर्सरी में भी अलिफ पढ़ा है, टीचर आपको पढ़ा चुकी है पिछली क्लास में। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ अलिफ मद आ, ठीक है, अलिफ मद आ। अलिफ के ऊपर हम ये मद लिखते हैं और फिर हम इसको पढ़ते हैं, इसकी आवाज़ क्या होती है, अलिफ मद आ। मेरे साथ पढ़ें, अलिफ मद आ, फिर पढ़ें, अलिफ मद आ। कौन सा हुर्फ है ये, अलिफ मद आ, और अलिफ मद आ से क्या आता है, आपा, आड़ू, आम, आंसू, आग। ये देखें चूल्हे पे खाना बन रहा है ना, ये जो आग, जब हम माचिस जलाते हैं चूल्हे में तो उसके बाद क्या होता है, आग आती है ना चूल्हे में, उस जिससे हम खाना बनाते हैं, ठीक है, आपा, आड़ू, आम, आग, आंसू, आंसू। कौन सा हुर्फ है ये, अलिफ मद आ। अगर मैं आपको कोई हुर्फ दिखाऊं और इस पे मद नहीं हो तो ये इसे हम क्या पढ़ेंगे, अलिफ, ठीक है, लेकिन इस पे मद है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, अलिफ मद आ। कैसे क्या आवाज़ निकलेगी इसकी, अलिफ मद आ, ठीक है। ये आपका क्लास वर्क है, यहाँ आप क्लास वर्क लिखेंगे और आप यहाँ पर डेट मैंशन कर लेंगे, ठीक है, 19, ठीक है। चलें अब इसके बाद हम पेज फोल्ड करेंगे और इसके नेक्स्ट सामने वाले पेज पे आ जाएंगे, पढ़िए और लिखिए, ठीक है, क्लास वर्क मेंशन करेंगे और डेट मेंशन करेंगे। क्या है अलिफ मद आ, ठीक है, अलिफ मद आ को हम ट्रेस करेंगे, इस पे हाथ फेरेंगे, वो मैं अभी आपको करवाऊंगी, बोर्ड पे मैं करूंगी, आप इस पे करेंगे। पढ़ लेते हैं, अलिफ मद आ से आम, आड़ू, आलू, आग, आम, आड़ू, आंसू, आलू, आग। क्या करेंगे अभी, मैं आपको अभी हम सिर्फ, जब मैं टीचर आपको काम करवाएंगी, सिर्फ इतना, ये जो हाफ पेज है इसको मैं डन करवाऊंगी, सिर्फ आपने इसकी ड्रेसिंग करनी है, नीचे वाला अभी आपने जो नीचे कैप्शन है इसको नहीं पढ़ना, इसको नहीं देखना, ये आपका होमवर्क है, मैं अभी आपको बता दूंगी होमवर्क कैसा, ठीक है। अभी आप बोर्ड पर क्या करेंगे, मेरे साथ ट्रेस करें, अलग मत आपको ट्रेस करते हैं, पेंसिल लें हाथ में, कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ के, यहाँ स्टार्ट से, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लाए, अब थोड़ा सा टर्न करें और मियाँ के मोड़ के सीधे जाएं, सीधे
और फिर इसको नीचे की तरफ मोड़ दें। आया आपको समझ? आप अच्छा, अगर आप प्रेसिंग कर लेना, प्रेसिंग करने के बाद एक दफा और हाथ फेर लेते ताकि आपका हाथ अच्छे से इस पर बैठ जाए, यानी कि इस हाथ में अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप लिखेंगे ना तो आपसे अच्छे से लिखा जाएगा, ठीक है? तो ये हमने मत को जो है इसका प्रेस किया, हाथ फेर लिए। अब हम इसके अगले पूरे हाथ फेरेंगे, ऐसे डॉटिंग लाइन से आप बुक में करेंगे और मैं आपको बोर्ड पे करके दिखा रही हूँ। नीचे आएंगे, ये ऐसे रुक जाएंगे, ठीक है? क्या किया? स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट किया, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए और रुक जाए, ठीक है? कौन सा हुरफ है ये? अलिफ मद आ। कौन सा हुरफ है? अलिफ मद आ। अलिफ मद आ से आलू, आरी होती है, जैसे लकड़ी काटते हैं ना, वो आरी, उसको वो आरी होती है, वो भी अलिफ मद्दा से आती है, ठीक है? आप देखें यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मैंने तस्वीरें बनाई हैं, जो हम तस्वीरों के नाम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसमें क्या लिखा हुआ है? अलिफ मद्दा। देखें ये लिखा हुआ, ये देखें अलिफ मद्दा लिखा हुआ है ना, ये देखें, ठीक है? अलिफ मद्दा से आम, आलू, जिन्होंने मिर्ची टेस्ट कर दी थी। अलिफ मद्दा से आपा, वेरी गुड, अलिफ मद्दा से आपा, ठीक है? ये आपका क्या है? क्लास वर्क, ठीक है? आपने इसको क्लास वर्क किया अच्छे से। इसी के नीचे हुर्फ अलिफ मद्दा के गिर दायरा लगाएं, ठीक है? ये न्यू कैप्शन आपको दूसरी दिख रही है, ये जो है आपका होमवर्क है। ये देखें टीचर ने लिख भी दिया होमवर्क, और ये आज की डेट भी है, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, आप इसे घर पर अटैम्प्ट करेंगे, यानी कि एज अ होमवर्क, अभी भी आप क्लास वर्क भी घर पर ही अटैम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन ये होमवर्क होगा, ठीक है? जैसे हुर्फ अलिफ मद्दा के किर दायरा लगाना है, आपने अलिफ मद्दा को ढूंढा, अलिफ भी मौजूद है और अलिफ मद्दा भी मौजूद है, आपने देखा अलिफ मद्दा कहाँ है, अलिफ मद्दा को कैसे शनाख्त करेंगे मुझे बताएं? जिसके ऊपर मद होगा, जिसके ऊपर मद नहीं है उस पर हम दायरा नहीं लगाएंगे, और जिस अलिफ के ऊपर मद है उस पर हम दायरा लगा देंगे, ठीक है? समझ में आया? तो हमने इस पर दायरा लगाना है, ये आपका होमवर्क है। टीचर ने आपका यहाँ भी होमवर्क मेंशन कर दिया है, ये आपकी बुक का नाम है, उस कहानी का तस्वीरी कायदा, और सफर नंबर 7, यानी हाफ, ये मैंने छोटा सा लिख दिया, हाफ मैंने ये रन करवाया और हाफ को रन कर लेंगे, ठीक है? काम अच्छे से करेगा, और जब भी काम करें उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें ताकि आपको याद हो जाए अलिफ से क्या आता है, अलिफ मद्दा से क्या आता है, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा, काम बहुत अच्छे से करिएगा। अल्लाह हाफिज।